दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के सामने भारत ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर कर दी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को यह हिंट दे दिया है कि भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। या तो भारत की मांग पर कोई एक्शन लिया जाए या फिर भारत के विरोध के लिए तैयार रहे यूनाइटेड नेशन, क्योंकि बहुत लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस के सामने ये मांग रख रहा है भारत कि उसे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना लिया जाए और यूनाइटेड नेशन में कुछ आमूलचूल बदलाव भी किए जाएं। लेकिन हर बार भारत को बस दिलासा ही दी जाती है, कहा जाता है कि इसी पर बातचीत की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी मीटिंग या कोई भी बातचीत नहीं हुई। इसीलिए भारत ने यह बयान दिया है, भारत को यूनाइटेड नेशन जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की इस लापरवाही पर पछतावा है। भारत ने बहुत सही समय पर यह मुद्दा उठाया है और केवल अपने लिए नहीं बोल रहा भारत, बल्कि तीन और देशों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों भारत ये बार बार मामला उठा रहा है, क्यों भारत को यूनाइटेड नेशन को एक्सपेंड करने की जरूरत है, भारत को क्या फायदा मिलेगा इस एक्सपेंशन से, आखिर क्या है यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ मामला जिसकी वजह से भारत ने वैश्विक स्तर पर अफसोस जताया है, अपने गुस्से का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, दुनिया भर में देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना और विश्व के सबसे बड़े मुद्दों पर मिलकर स्ट्रेटेजिकली एक्शन लेना, और ये लंबे समय से विश्व की सबसे मजबूत और सफल ऑर्गेनाइजेशन है। 193 देश इसके मेंबर है। यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं जिनमें से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल सबसे अहम है। 15 कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन सभी देशों पर बाइंडिंग है, लेकिन वहां पर पालन करना ही होगा, सभी को मानना ही पड़ेगा और अपने देश में लागू करना पड़ेगा। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में शामिल किया गया था। तब 5 देश जो कि विश्व में सबसे पावरफुल थे उसमें वर्ल्ड वॉर एरा में उन्हें परमानेंट मेंबर चुना गया था और जरूरत से ज्यादा पावर मिल गई थी और उन्हें पावर दे दी गई थी। ये 5 देश थे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के लिए यूज किए जाते हैं। भारत भी अब तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। जब भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन के आगे मांग रख रहा है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपेंड कर दिया जाए, परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आज के इश्यूज और प्रॉब्लम सब कुछ बिल्कुल बदल चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है। वर्ल्ड वॉर के बाद अब 1945 के मुकाबले एक नई दुनिया सी बन चुकी है। अब दुनिया की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई है, क्राइम करने के नए तरीके भी निकल आए हैं। अब दुनिया को अलग तरीके से डेवलप करने की जरूरत है और यूनाइटेड नेशंस को भी अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। भारत ने कहा कि अब यूके को ही देख लीजिए जो 1945 में सुप्रीम पावर हुआ करता था, आज वो अपनी लड़खड़ाती इकोनॉमी को संभालने में लगा हुआ है, चीन की किसी से बनती नहीं है, रूस खुद ही इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी को भंग करने में लगा है, एक थ्रेट बन चुका है और कई देशों के लिए यूएस अमेरिका अपने मन मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने लगता है, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि दुनिया भर में महंगाई और भी बदतर हो चुकी है। अब इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने वाले सदस्य ही सही गलत की समझ भूलकर खुद को बस सुपर पावर बनाने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में कुछ और देशों को मौका देना बहुत जरूरी है। चीन राज्य की कमान अपने हाथ में संभाले और दुनिया की जमीनी स्थिति पर स्थिति को सुधार सके, कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित करके दिखाया है, भारत भी इनमें से एक है। जापान भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जा चुका है। जब विश्व का विस्तार हो चुका है तो यूनाइटेड नेशन जो वैश्विक शांति के लिए स्थापित किया गया था उसका भू विस्तार करना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन के रूल्स के मुताबिक यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को 9 मेंबर्स तक बढ़ाया जा सकता है, तो भारत यही मांग कर रहा है और साथ ही जापान, जर्मनी ब्राजील को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये देश भी परमानेंट मेंबरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ। लेकिन लंबे समय से मांग करने के बावजूद इस बात को लेकर कोई अटेंशन पे नहीं की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा इस बात को टाला जा रहा है, जबकि फ्रांस भी 2013 में ही इस बात को रख चुका है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाना चाहिए, मगर फिर भी इस मुद्दे को लगातार इग्नोर मारा जा रहा है। अभी भी भारत को फ्रांस और यूके का समर्थन मिल चुका है। फाइनली भारत ने अपने बयान से ये हिंट दे दिया है, जब अगर भारत की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अब भारत एक अलग पहचान रखता है लेकिन वैल्यू रखता है दुनिया भारत में। भारत कोई भी ठोस कदम उठाने से वैश्विक स्तर पर बहुत बदलाव आ सकते हैं। भारत ने कहा है कि हमें पछतावा है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स इसके विस्तार को लेकर ना कोई बातचीत कर रहे हैं ना कोई कदम उठा रहे हैं, इसीलिए चीजें अटक गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और भारत को इसके ऊपर अफसोस है। यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एनुअल डिबेट की ओपनिंग डे पर कुछ ऐसा ही कहा है कि परमानेंट मेंबर्स को कलेक्टिव एस्पिरेशन की तरफ ध्यान दिए बगैर किसी भी प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अपनी बातों से साफ जता दिया है
कि 15 मेंबर और वन को एनलार्ज करने, इसकी वर्किंग मेथड्स को अपडेट करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। साथ में रुचिरा काम्बोज ने यह भी कहा, यूएन ऐसे रिफॉर्म को जितना अवॉइड किया जाएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन उतनी ही ज्यादा डिफिशियंसी होगी। भारत ने यह सब कुछ जापान, ब्राजील और जर्मनी को भी रिप्रेजेंट करते हुए कहा। इसके बाद ब्राजील ने भी अपना गुस्सा जताया और कहा कि केवल बात ही होती है, कोई एक्शन कभी नहीं लिया जा सका। ब्राजील ने कहा कि नेटो नेशन के 193 मेंबर स्टेट्स में से 60 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें आज तक कभी भी यूएनएससी को सर्व करने का मौका ही नहीं दिया गया। ये चारों ही देश आज के समय में बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। अगर ये चाहें तो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप को त्याग कर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और कई देश जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पर आपत्ति जताते हैं मगर फिर भी उन्हें अवॉइड किया जाता है, वो देश भी इस नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन की तरह ही यूनाइटेड नेशंस की भी वैल्यू कम होने लगेगी। भारत ने साफ जता दिया है कि वो इस टाल मटोल से कितना नाखुश है और अब की बार वो ठोस कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि जुलाई में लोकसभा में सरकार ने यह जानकारी दी थी कि चाइना के अलावा बाकी चारों परमानेंट मेंबर्स का समर्थन भारत को मिल जाता है। केवल चाइना है जो नहीं चाहता कि यूनाइटेड नेशंस का विस्तार हो, दूसरे मेंबर्स को एक परमानेंट वीटो पावर मिली हुई है। अगर कोई भी देश बाकी देशों की सहमति और जनरल असेंबली की भी सहमति से किसी मुद्दे के लिए कोई रेजोल्यूशन लेकर आता है तो जनरल असेंबली की सहमति के बावजूद भी इन 5 मेंबर्स में से कोई भी अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस रेजोल्यूशन पर रोक लगा सकता है और चाइना ने कई बार ऐसा किया है। जब भी भारत आतंकवाद के मुद्दे को लेकर किसी और जरूरी मुद्दे को लेकर कोई रेजोल्यूशन पास करवाता है तो चाइना उस पर कभी सहमत नहीं होता और वो रेजोल्यूशन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो कई मुद्दों से आसानी से निपट सकता है और वैश्विक स्तर पर भारत ने ये प्रूव भी किया है। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड पीस के चेंजिंग डायनेमिक्स समझने में यूएनएससी आज की तारीख में असफल रहा है। पैंडेमिक और अब रशिया यूक्रेन वॉर दोनों के ही समय यूनाइटेड नेशन और यूएनएससी जरूरतमंद देशों की मदद करने में टोटली फेल साबित हुए हैं। तो आप ही बताइए, क्या भारत का ये गुस्सा जायज नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि 1945 की जरूरतों और आज की जरूरतों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है? भारत ने कितने ज्यादा यूनाइटेड नेशंस में अपना योगदान दिया है ये दुनिया जानती है। और ऐसे में अगर भारत ये बोल रहा है कि उसे उसकी परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए तो क्यों चीन की सुनी जा रही है? या पूरी दुनिया यही चाहती है कि पावर इन्हीं 5 कंट्रीज के पास में रहे, दूसरा कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता? क्या कहना है आपका? क्या भारत को यूनाइटेड नेशन छोड़ देना चाहिए या उसमें बने रहना चाहिए, अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस बेहद अहम वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।